अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। इस सत्संग यज्ञ में पधारे हुए समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच श्री दिनेश बाबू के दरवाजे पर सही नमन तो संतमत सत्संग का ये आयोजन हो रहा है। जब ईश्वर परमात्मा की कृपा होती है, जब वो कृपा बरसाते हैं, तब ऐसे सत्संग सुनने का, भाग लेने का सौभाग्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिमे दरस परस सम गमादिक पाप राशि नसाइए। भाग्यो उदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावय। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। देवर्षि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को कहा था कि हे संत भगवान, जब जीव के का भाग्य उदय होता है, जब बहुत जन्मों का पुण्य कृत पूंजी एकत्रित होता है, तब जाके उसे संतों का संग सत्संग और संत समागम मिलते हैं। संतों ने सत्संग की बड़ी भारी महिमा का बखान किए हैं अपने मुखारविंद से। संत महापुरुष कहते हैं, यह सत्संग चलता फिरता तीर्थ राज है, मुद मंगलमय संत समाजो जिमि जंग जंगम तीर्थ राजो। तीर्थ बहुत सारे हैं। हमारा जो देश है वह भक्ति प्रधान देश है, कृषि प्रधान तो लोग कहते हैं, परंतु हकीकत में ये भक्ति प्रधान देश है। बड़े बड़े भक्त संत यहाँ प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और भक्तों के बीच धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म संस्कृति का पुनरुत्थान संत भगवंत आकर के इस धराधाम पर करते हैं। इसलिए यहाँ पर सत्संग भजन होता रहता है और यहाँ पर हर चीज़ पूज्य माना गया है। हर रूप में हम ईश्वर परमात्मा की आराधना, उपासना, पूजा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, उसे देवी का स्वरूप मानते हैं और उसी को तीर्थ कहते हैं। तो बहुत सारे नदी हैं, गंगा माँ गंगा जी, यमुना मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, बहुत सारे तीर्थ कहे गए हैं नदियों के नाम, जिसमें स्नान करना तीर्थ स्नान कहा जाता है, जिससे तन पवित्र होता है। और जब अच्छे संग में हो जाते हैं उस तीर्थों में, तो थोड़ा बहुत मन भी पवित्र होता है। तो तीर्थों की कमी नहीं है, करोड़ों करोड़ों तीर्थ का वर्णन शास्त्रों में आया है। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि यज्ञ करे दान, कोटि गौ करे दान, काशी करवट ले मरे, तो कहावत है। तो करोड़ों तीर्थ का वर्णन शास्त्रों में आता है, परंतु एक एक जो नदी में स्नान करते हैं तो वो तीर्थ स्नान हो गया, वो तीर्थ हो गया। पर जहाँ पर तीन महान श्रेष्ठ नदियों का समागम होता है, उस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। उस स्थान में जब नहाते हैं तो उसको कहते हैं तीर्थराज में स्नान, यानी तीर्थों का वो जगह जो है राजा कहलाता है। यानी कि सब तीर्थ में स्नान करने से अधिक फल उस जगह पर स्नान करने में होता है जहाँ तीन नदी का समागम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये स्थान हमारे भारत भूमि में प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। कहते हैं जो गंगा नहाए एक बार और प्रयाग गंगा नहाए चार बार और प्रयाग नहाए एक बार, तो अन्य तीर्थों में जितना भी स्नान करिए, बट परंतु यदि प्रयागराज में एक बार स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसको एक साथ मिल जाता है। तो ये त्रिवेणी संगम इसी को कहते हैं। परंतु उस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद भी देखा जाता है कि लोगों के मन का विकार नहीं जाता है। आपको मैं तीर्थ की निंदा नहीं करता, पर आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, मन में वासना हो, ममता हो संसार से, ये सब कुछ आप अनुभव कीजिए कि हमारे अंदर है, और जा करके आप वहाँ स्नान कर लीजिए, और इसके बाद आप अनुभव कीजिए कि आपके अंदर वो चीज़ था जो था वो है कि नहीं है। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई जो विकार हमारे अंदर पहले था वो विकार तो अभी भी है। फिर तीर्थ स्नान से फायदा क्या हुआ? तो देखिए, तीर्थ में स्नान करने से होता क्या है
कि जब तक हम तीर्थों में जाते हैं तब तक हमारा मन उसी तीर्थ के देवी देवता का चिंतन करता रहता है। इसलिए उन देवी देवताओं का चिंतन, अच्छे संतों का सत्संग का चिंतन होने से थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है, और तीर्थों में स्नान करने से तन शुद्ध होता है, कुछ मात्रा में पुण्य भी मिलता है, परंतु मन शुद्ध नहीं होता। और इसलिए मन शुद्ध नहीं होता तो चेतन शुद्ध नहीं होता, हमारा विकार नहीं जाता है। परंतु संतों ने समाधान दिया, कहते उस तीर्थों के अलावा भी एक और तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन भी शुद्ध हो जाता है, वही है मुद मंगलमय संत समाजो जिमि जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का चलता फिरता तीर्थ राज यही है जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। राजा सगर ने समाधान दिया, राजा भगीरथ ने समाधान दिया, कहते माते मानता हूँ कि कलयुग में पापात्मा बहुत है, पाप कर्म बहुत होता है, लेकिन इसी कलिकाल में लाखों में करोड़ों में ही सही पर कोई संत जरूर होते हैं। यदि संत नहीं होते तो हम लोग यहाँ सत्संग नहीं करते होते, यानी धर्म कर्म नहीं मिलता हम लोगों को। ये धर्म कर्म नहीं होता तो धरती कल कब के जल जाती है, धरती कब के रसातल को चली जाती है। यदि धरती टिकी है तो धर्म पर टिकी है, अधर्म टिका इसलिए है कि संत महापुरुष किसी न किसी रूप में। तो आग लगी आकाश में चुई चुई परे अंगार, जो न होते संत जन तो जल मरता संसार। संत महापुरुष नहीं होते तो जल जाता। राजा भगीरथ कहते माँ संत जरूर है, किस रूप में है कहाँ है वो तो आपका भाग्य है कि कैसे किसको मिलता है। कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग्य दर्शाए, अजो हो वे सजा सूली तो कांटों ही टली जाए। बड़े बड़े संकट होगा तो थोड़े से कष्ट लेकर के वो टल जाएगा, यही संतों के दर्शन का लाभ है। परंतु ऐसे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग सचमुच में बड़े भाग्य हैं कि हम लोगों को प्रत्यक्ष सच्चे संत सद्गुरु मिले। ऐसे संत अनंत, ऐसे संत करोड़ों अरबों में जुग जुगांतर में एक ही होते हैं। तो कहने का मतलब कि राजा भगीरथ कहते ऐसे संत जरूर हैं, परंतु हे माँ ऐसे संत किसी न किसी रूप में विराजते हैं, और जो निर्जन वन में सुनसान स्थान में नदी किनारे झुग्गी झोपड़ी कुटिया बना करके कंद मूल फल खा करके संसार से विरक्त होकर के और सब ओर से अपने मन को मोड़ करके जो प्रभु के चरणों का सुमरण करते रहते हैं, प्रभु के पवित्र पावन मंत्र नाम का जप करते रहते हैं, ऐसे संत बड़े निर्मल होते हैं। क्योंकि नाम अखिल अग पूग नसावन, 100 करोड़ नदियों को भी पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है, 100 करोड़ गंगा जी को भी पवित्र करने वाला वो प्रभु का नाम है, नाम अखिल अग पूग नसावन। तो ऐसे नाम जो करोड़ों गंगा को भी पवित्र कर दे, उस नाम को जो जप करेंगे वो कैसे होंगे, वो परम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज की अमर वाणी है कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। कहते जो गुरु का मंत्र है वो अति पावन है, पावन मतलब ही पवित्र होता है, पर ये अत्यंत पवित्र है। मंत्र राज मिदम देवी गुरु रित्यक्षर दयम, सप्त कोटि महामंत्राश चित विभ्रंश कार का। गुरु गीता में भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, यह जो मैं गुरु मंत्र बता रहा हूँ यह मंत्र राज इदम, यानी यह मंत्र मंत्रों का राजा है, जबकि संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना को जपेंगे, 2-4 जपने में तो जीवन साफ हो जाएगा। इसलिए सब का फल यदि चाहते हैं, सब मंत्रों की सिद्धि उपलब्धि अलग अलग है। सब तरह के खेत में बीज बोते हैं तो सब तरह के अनाज जिनिस को हम पाते हैं, परंतु सब सिद्धि उपलब्धि एक साथ यदि किसी को चाहिए तो सब मंत्रों का जो मूल मंत्र है, सब मंत्रों का जो मंत्र राज, मंत्रों का राजा गुरु मंत्र है, जो उसको जप ले उसे सब सिद्धि उसको प्राप्त हो सकती है। अष्ट सिद्धि नव निधि नित आंगन सारे, काम धेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे।
ऐसे गुरु मंत्र है जो काम धेनु कल्प वृक्ष के समान है। अष्ट सिद्धि नव निधि नित आंगन सारे, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां समस्त सब कुछ उसे प्राप्त होता है। ये मंत्र है, ये मंत्र जपने से यानी कि ये सब कुछ को पवित्र करने वाला मंत्र है। अच्छा बोलिए, जब पूजा किया जाता है षोड़शोपचार पंचोपचार के द्वारा पूजा होती है, उसको स्थूल पूजा कहते हैं। स्थूल पूजा भी आवश्यकता होती है सूक्ष्म पूजा करने के लिए। पहले लोग पहला क्लास पढ़ते थे ताकि दूसरा क्लास पढ़ सके, कि दूसरा क्लास पढ़ते थे ताकि पहला क्लास पढ़ सके, ऐसा होता है? पहला पढ़े ताकि दूसरा पढ़ सके। अब लोगों का दिमाग हो गया डल, दिमाग हो गया थोड़ा सा स्लो, इसलिए पहला से भी पहले LKG है, LKG के बाद UKG है, तब नर्सरी है, पहले नर्सरी फिर LKG फिर UKG अब फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना। तो पहला के पहले भी तीन पहला डाल दिए ताकि पहला को भी बढ़िया से पढ़े। तो पहला क्लास है मंत्र जप करना, लेकिन मंत्र जप भी इतना आसान नहीं है कि कोई खेत की मूली नहीं गई उखाड़ के और कच्चा कच खाने लगे, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, बड़ा कठिन है मंत्र का जप करना इस मन के द्वारा, ये बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है तो बड़ा आसान, पर हमारा मन जो है ना, हमारे मन में इतना बिखराव है, हमारा मन इतना प्रवृत्ति में लगा है, हमारा मन संसार में इतना रचा पचा है कि मन को इतनी सहजता से आसान बात नहीं कि जप में लगा दे। मन को संसार में भरमाने के लिए पहले जितना संसाधन था उससे हजार गुना ज़्यादा संसाधन आज उपलब्ध है, इसलिए मन का हजार गुना ज़्यादा बिखराव आ जाए। पहले हम जब बहुत घूमना होता था तो एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, आज मोबाइल में हम सारी दुनिया को नज़र से घूम जाते हैं देख देख कर के। हजारों लाखों क्या करोड़ों अरबों लोगों से हम एक मुट्ठी में बंद किए हुए हैं, मतलब सबसे जुड़े हुए हैं। तो पहले 10 आदमी से जुड़े थे तो 10 गुना मन में बिखराव था, आज करोड़ आदमी से जुड़े रहे करोड़ गुना बिखराव है। तो मन के बिखराव का साधन तो बहुत बढ़ते चला गया, पर मन के सिमटाव का साधन नहीं हुआ, तो मन दिनों दिन बिखराव की ओर चलता गया। तो ये मन को इतना आसान नहीं कि समेट करके जप में लगा दे, बड़ा कठिन। इसीलिए उसके पहले पूजा पाठ धूप दीप अगरबत्ती मोमबत्ती ये सब करते हैं ताकि हमारा मन किसी तरह से योग्य हो जाए कि हम जप कर सके सही से। ये संतों ने ये युक्ति सब बतलाते हैं। कहने का मतलब कि मंत्र यदि कोई जप ले तो वो मंत्र उसको निश्चित रूप से पवित्र करता है, क्योंकि ये मंत्र जब गंगा जी को भी पवित्र कर सकती है तो आपको क्यों ना करें। 100 करोड़ गंगा जी को पवित्र करने की क्षमता इसमें है। तो पूजा पाठ जो होता है तो उसमें एक मंत्र है, आपको यदि पूजा करना हो तो कहा जाता है कि शुद्ध होकर के पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे वैदिक परंपरा में सबसे पहले जब जगते हैं तो कहते हैं स्नान और पूजा, स्नान ध्यान पूजा ये होना चाहिए। तो सफाई मतलब शुद्धिकरण हम करते हैं जगते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब जगते हैं तो राम राम बोलते हैं, जब कोई मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, या जो सत्संग प्रेमी है तो जय गुरु महाराज बोलते हैं, जय गुरु बोलते हैं, और जो भगवान को मानते हैं तो राम जी कैसे हैं राम 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 बोल देते हैं। जो जिस इष्ट को मानते हैं उसका नाम लेकर के सबसे पहले हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, मुख को शुद्ध करते हैं। ये बात अलग है कि आजकल सो करके जगते हैं और मुंह में बस चाय या चीनी पी करके वो मुंह को जुठा करके बैठ जाते हैं, पर मुंह को शुद्ध करने का सबसे तरीका है बढ़िया कि ये मंत्र मुंह से निकालते हैं, जो मंत्र करोड़ों गंगा जी को पवित्र करते हैं तो मुंह को शुद्ध करता है। इसके बाद हाथ पैर धोते हैं, दांतों से मुंह को फिर दांत साफ करते हैं, इसके बाद स्नान आदि करके तन को शुद्ध करते हैं, और फिर जा कर के स्नान से पहले घर द्वार में झाड़ू पोछा निपा पोती सब कुछ करके, और इसके बाद स्नान करके और फिर पूजा करके पूर्ण रूपेण हम अपने आप को शुद्ध करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। यही है तरीका दिन की शुरुआत करने का। जो जीवन की शुरुआत दिन का शुरुआत अथवा कोई काम का शुरुआत पूजा पाठ से नहीं किया, उसका कोई भी काम बनने का कोई चांस नहीं है, सब दिन बिगड़ता चला जाएगा। और इसीलिए जीवन में कोई काम हाथ नहीं लगता, सब काम लगता है कि बन रहा बनते बनते बिगड़ जाता, 99 पर जाकर के 0 पर आ जाता, 100 नहीं हो पाता, क्योंकि शुरुआत हम पूजा पाठ से नहीं करते। सुबह में या तो चाय पीते हैं, न तो खैनी खाते हैं, या नहीं तो अखबार पढ़ते हैं,
तो ये सब के साथ या उल्टा सीधा जो अखबार में लिखा रहता वही दिमाग में घुसता, तो रात भर सपने में अड़ वर्ष उल्टा अनाप शनाप देखते रहे, दिन भर वही अखबार के द्वारा हम संसार के सब उल्टा चीज़ को देखते सुनते रहते, उसी दिन दिमाग में बैठा लेते हैं। तो शुद्धिकरण ये सब है। अब जब पूजा पाठ भी होता है तो शुद्धिकरण किया जाता है। आप पूजा बैठिए तो एक प्रसिद्ध मंत्र है, वो है पवित्रीकरण मंत्र। उसके द्वारा हम शुद्धि करते हैं, अपने आप को अपने शरीर पर छिड़कते हैं, पहले पूजा सामग्री पर, फिर देह पर छिड़कते हैं, फिर हाथ पर आचमन करते हैं। वो मंत्र क्या है? तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरो शुचिः। ये मंत्र का अर्थ होता है कि अपवित्र पवित्रो वा, मतलब आप शुद्ध अवस्था में हैं या अवित्र अशुद्ध अवस्था में, आप किसी भी अवस्था में यदि आप मंत्र को जप करते हैं तो आपका भीतर बाहर शुद्ध हो जाता। तो शुद्ध तो कर दिए, पर वो मंत्र क्या कह रहा है कि सब अवस्था में वो शुद्ध करता क्या है? तो पुंडरीकाक्ष, वो पुंडरीकाक्ष यानी भगवान नारायण का जो मंत्र है वो आपको भीतर बाहर से शुद्ध करता। जल तो एक दिखावा हुआ, पर शुद्ध करने का कारण क्या हुआ? तो वो मंत्र हुआ। ये बात अलग है कि वो मंत्र को न जपते हैं न जपवाते हैं, खाली बाहरी बार छिड़का छिड़क दिए हो गया। तो कहने का मतलब कि मंत्र शुद्ध करता है सब कुछ, और ऐसे मंत्र का जप वो संत वीतराग विरक्त संत करते रहते हैं। नदी नाला किनारे, नदी किनारे बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, कुटिया में बैठकर, राजा भगीरथ कहते हे माँ, ऐसे संत जो निरंतर उस परम प्रभु परमात्मा के पवित्र मंत्र का जप निरंतर करते रहते हैं तो कैसे होते हैं? परम शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अभी मैंने आप लोगों को सुनाया ना, वो मंत्र की शक्ति है कि वो 7 करोड़ मंत्रों के फल को प्राप्त कराता है। वो मंत्र 100 करोड़ गंगा जी को भी शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं, तीर्थों को पवित्र करने वाला वो मंत्र होता है। इसलिए उस मंत्र का जप करने वाले बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाते हैं। और जो संत ऐसे हैं बहुत जो निरंतर सांस सांस में सुमरण किया करते रहते हैं, और वो कहते भी करने के लिए सांस सांस में नाम ले वृथा सांस मत खोए, न जाने इस सांस को आवन होए न, कहते क्या पता इस सांस को आना होगा कि नहीं होगा, इसलिए इस श्वास को पकड़िए, हर श्वास में नाम जप कीजिए। लेकिन एक एक आदमी इतना व्यस्त है कि बोलता हमको सांसों लेने का फुर्सत नहीं है, जब क्या करेगा? अच्छा एक बार बोलिए कि जिस किसको किसको सांस लेने का फुर्सत नहीं है। यदि सांस लेने का फुर्सत नहीं तो नाक मुँह बंद करके 10 मिनट बैठिए तो 10,000 इनाम मिलेगा, बैठिए राम नाम सत हो जाएगा। परंतु बात ऐसी नहीं है, बात है कि काम जो भी करो परंतु श्वास श्वास में प्रभु का नाम लो। ये संत लोग कहते ही नहीं, वो स्वयं करते भी, उसके पास फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। हर श्वास में स्मरण होता है, सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे। तो सब क्षण जिसका मन गुरु में लगा रहता है उसको उसको निश्चय कल्याण होता है उसका। तो ऐसे संत जो निरंतर जप किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं माँ, तो ऐसे संत वो गंगा किनारे कुटिया में वास करेंगे और वो जरूर आपके पास जाएंगे, आपके जल से स्नान करेंगे, आपके जल का स्पर्श करेंगे, उनका वो परम पवित्र चरण जो तीर्थों को पावन करने वाले हैं, जिसके सेवा में लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी, ऐसे संतों के चरण रज जिसकी चाहना देवों के देव महादेव भगवान अविनाशी स्वयं भगवान भोलेनाथ भी चाहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसे संत की महिमा के बारे में भगवान कहते गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, ऐसे संतों के समागम के समान कोई लाभ नहीं दुनिया में। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, ऐसे संतों का संग जिस समय हो जाएगा घड़ी धन्य हो जाता है। ऐसे संत के चरण की महिमा तीर्थ शास्त्रों में गाई गई। तो वो परम पावन पवित्र चरण जब आपके जल का स्पर्श करेगा
उसके चरणों में वो जादू है। देखिए भगवान के चरण का स्पर्श जब अहिल्या महारानी की जो पत्थर बन गई थी की थी, तो अहिल्या ही बनी वो पत्थर, बेचारी बन गई अपने गौतम ऋषि के श्राप से। तो वहाँ पर वो वशिष्ठ जी विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी महाराज जो भगवान राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले जा रहे थे यज्ञ दिखवाने के लिए, तो भगवान को निवेदन किए सरकार, एक भगवान ने पूछा कि ये स्थान ये सुनसान क्यों है, निर्जन वन क्यों है, यहाँ पक्षी क्यों नहीं चहचहाते हैं, ये वृक्षों में हरियाली क्यों नहीं है, ये पेड़ पौधे वृक्ष ये सब सूखे क्यों हैं, इस तरह से बंजर भूमि ये क्यों है, ये कुछ क्षेत्र जो है ऐसा क्यों उजरा पुजरा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि रो रहा है प्रकृति। पर दूर जहाँ तक मैं देखा चारों तरफ हरियाली, पर यहाँ इस तरह से निर्जन सुनसान क्यों है। तब महामुनि विश्वामित्र जी कहते हे राम, यहाँ पर एक सती साध्वी थी जिन्होंने तो जानबूझ करके कोई गलती नहीं की, पर प्रारब्धवश होनी बलवान था, उसके पति गौतम ऋषि ने सती अहिल्या देवी को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर हो जा, तो बेचारी तो पत्थर बन गई। पर इस कारण उसी के वियोग में ये इस क्षेत्र का ये सब कुछ बंजर हो गया। पर हे राम आप चलिए और आज उसका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान वहाँ जाते और भगवान का चरण धूल जब पड़ा, चरण का स्पर्श वो पत्थर में हुआ, तो वर्षों से जो देवी पत्थर बनी हुई थी तो फिर से दिव्य रूप में अहिल्या बाई बनकर के प्रकट हो गई, तो भगवान को प्रणाम की। तो भगवान के चरण स्पर्श से वो जो पत्थर बन गई तो फिर अहिल्या बाई बने। पर संत सत्सुख गुरु का जब स्पर्श होता है तो क्या बनता है, तो तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। मातंग ऋषि की चरण सेवा में जो माँ सबरी लगी रहती थी, तो वो माँ सबरी केवल सबरी नहीं बनी रही, उस हरि के उस चरणों में लीन होकर के वो परम गति को प्राप्त करी, जिस परम गति को बड़े बड़े संत प्राप्त करते हैं, जिसको परिनिर्वाण कहते हैं, जिसको परम मोक्ष कहते हैं, ईश्वर का परम पद कहते हैं, ईश्वर का निज धाम निज लोक जिसे कहते हैं, जहाँ सपने में भी दुख नहीं होता, ऐसे परमात्मा के घर को चली गई और परमात्मा को जान करके परमात्मा स्वरूप हो गई। तो ब्रह्मविद ब्रह्ममैव भवति, यानी ब्रह्म को जानकर माँ सबरी ब्रह्म स्वरूपा हो गई। तो ब्रह्म भूतो महायोगी निसंगो छिन्न संशय। सुखदेव जी महाराज का संसर्ग करके, सुखदेव जी महाराज की चरण सेवा करके, सुखदेव जी महाराज के ज्ञान को ग्रहण करके आज परीक्षित ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्म भूतो महायोगी निसंगो छिन्न संशय। जीवात्मा और परमात्मा की एकता रूप महायोग समाधि में लीन होकर के परीक्षित ब्रह्म स्वरूप हो गए, ये भागवत में प्रसंग है। तो संत सदगुरु के चरण का स्पर्श का लाभ देखिए कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, यानी पारस मनी पत्थर है तो लोहा को छुआ दीजिए पारस मनी से। एक सूरजमुखी पत्थर होता है, गुरु महाराज के प्रवचन में है कि सूरजमुखी पत्थर एक बनारस में एक हलवाई के पास था, तो उस पत्थर को सूर्यमुख करके रख देता था, तो वहाँ पर जो वो था कड़ाही उसमें जो तेल था वो गर्मी से खोलने लगता था, तो खोलते हुए तेल में वो जलेबी छाँकता था और वो जलेबी बेचता था, लोग तमाशा देखने आते थे और जलेबी खरीद खरीद करके खाते थे। पर वो तेल कड़क रहा है लेकिन इधर न चूल्हा में लकड़ी है न आग है, तो पत्थर के प्रभाव से वो सूर्य की गर्मी इतनी वहाँ पड़ती थी कि तेल कड़कता था, जिसको सूर्यमुखी पत्थर कहते हैं। इसी तरह से एक मणि है, उसका नाम है पारस मणि। पारस मणि का प्रभाव है, एक है श्यमंतक मणि, बहुत सारे मणि हैं, परंतु एक है पारस मणि, एक है चंद्र मणि, एक है पारस मणि। तो पारस मणि का प्रभाव है, श्यमंतक मणि का प्रभाव था कि 8 भार सोना वो रोज देते थे, ये भागवत में प्रसंग है, सब कुछ का एक प्रभाव होता है। तो पारस मणि का भी प्रभाव है कि पारस मणि के पास यदि लोहा चला गया अथवा लोहा ही पारस मणि के पास आ गया तो लोहा सोना हो जाएगा,
अर्थ ये हुआ कि आप या तो सत्संग में चले जाइए या संत की कृपा आप पर हो जाए, आपके घर सत्संग हो जाए, तो दोनों में फायदा है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ सत्संग नहीं तो फायदा हमको थोड़े मिलेगा, जो सत्संग करा रहे हैं उसको मिलेगा, उसको जरूर मिलेगा, पर आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा। अब कहिए आपको फायदा मिला तो सत्संग कराने वाला का तो कमीशन कट गया ना, पर वो भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ईश्वर में कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकला वो भी पूर्ण, पूर्ण पूर्ण में समाया, पूर्ण से जो बचा रहा वो भी पूर्ण, सब कुछ पूर्ण ही है। तो ये लोहा पत्थर, ये लोहा और पारस का चमत्कार है, या तो लोहा चला जाए पारस के पास या पारस लोहा के पास। इसलिए आप सत्संग करा लीजिए, आपको फायदा होगा, अथवा जहाँ सत्संग है वहाँ आप अपने आप को पहुँचा दीजिए, आपको फायदा होगा। संत दरस को चालिए चल ममता तज ममता अभिमान, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। इसलिए यज्ञ के समान फल मिलता है। तो कहने का मतलब है ये पारस मणि लोहा को कंचन कर देता है। कंचन मतलब सोना, सोना सुनते ही हमारा कान खड़ा हो जाता है, दिमाग में होता है कि काश हमारे पास भी कुछ सोना चांदी होता तो गहना जेवर बना के पहनते, या हमारा जीवन सुहाना हो जाता। परंतु संसार में ये सोना का कोई कीमत नहीं है, ये गहना जेवर जब मरने लगते तो सब खोल लिया जाता है, किसी को साथ नहीं जाने देता है। भले गुदरी भटिया जो देह पर है ना सड़ा सड़ा या मैला कुचला, तो उसको भले झोंक देगा आग में कि जाइए दादाजी के साथ इसको भी त्याग दिए, लेकिन दादाजी जो कुछ सोना चांदी का कुछ माला पहना है तो उसको आग में डालिएगा? नहीं डालते, क्योंकि वो कीमती चीज है। ये सोना चांदी गहना जेवर तो यही रहने का है, गहना का क्या कहना, यही रहना, वो कहीं नहीं जाना। परंतु इस सोना से भी कीमती कोई और सोना है, वो क्या है जानते हैं? ये सोना होते हुए भी आदमी कंगाल हो सकता है, गारंटी नहीं अमीर हो सकता। पैसा से कोई अमीर हो ये कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, कि बड़े बड़े पैसा वाले भी कटोरी लेकर के मंदिर के अंदर भिखारी बने रहते हैं। मंदिर के अंदर जाइए तो भी भिखारी नजर आएगा, कैसे? तो देखा के थोड़े मांगता, अंदर में मांगता है, लेकिन वो भी मांगता ही रहता है। तो पैसा प्रमाणित नहीं कर सकता कि आप अमीर हैं। जब आवे संतोष धन तब आप अमीर हैं। तो सोना से कोई धनवान नहीं होता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रह तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। परंतु ये सोना से भी कीमती सोना है, वो है राम नाम की हीरे मोती, संत लुटावे गली गली। भगवान नाम का जो हीरा मोती है वो है असली धन। मेरा भाई इसी ओर संकेत करते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपना। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे न होवे कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन जोहरी परखते हैं धन को, हम लोगों को परखने की अकल नहीं है, हम लोग नकल को ही असल समझ लेते हैं, क्योंकि अकल नहीं है, उसी में धुन घूम रहे हैं, इसीलिए सुख नहीं मिलता। पर संत महापुरुष असली पारखी हैं, जोहरी हैं, वो कहते हैं हमारे पास फर्क है, इसलिए मेरा सेलेक्टेड धन जो है, मेरा चयनित किया हुआ जो धन है, उसको तुम पकड़ो तो तुम भी धनी हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते कबीर सब जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता वा को जानिए जाके राम नाम धन हो। तो ये लोहा सोना कर देता है, परंतु सोना होने के बाद भी जीवन सुहाना नहीं होता। पर संत क्या करते हैं, संत का चरण, तो वो लोहा कंचन करे संत कर ले आप समान, संत अपने आप समान कर लेते। तो संत किस तरह हैं? तो संत जो हैं वो ईश्वर को जान कर के ईश्वर स्वरूप होते हैं, और ऐसे संत के चरण की कृपा होती है, ये जीव ब्रह्म हो जाता है, जीव पीप हो जाता है, ये जीव
आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो राजा भगीरथ कहते हैं, माँ आपका जो चरण है, ये संतों का चरण, ये पवित्र चरण जब आपके जल का स्पर्श करेगा तो आपका जल जल अशुद्ध नहीं, वो परम पवित्र और अत्यंत शुद्ध और निर्मल से भी निर्मल हो जाएगा, अत्यंत निर्मल हो जाएगा। आपका जितना पाप है वो साफ हो जाएगा, जितना मैल है विकार है वो सब के सब धुल जाएगा। तो इसलिए आप चलिए, तब माँ गंगा की कलकल धारा व चंद्रलोक स्वर्गलोक आदि से गिरती हुई गंगोत्री में उतरी और वहीं से आती हुई तीर्थों को प्रयागराज, ये उत्तरकाशी, ये सब अलकानंदादि रूप में परिणत होते हुए ये गंगा सागर में जाकर समाहित हो गई। बोलिए श्री सदगुरु। परंतु मेरा कहने का विषय था कि वो गंगा जी को भी पवित्र करने वाले ये संतों के चरण होते हैं, और ऐसे संतों के मुखारविंद से निकली हुई ये वाणी, यही है इस गंगा जी का पानी। उस गंगा जी में पानी बहता है, यहाँ वाणी बहती है। तीन नदी क्या है, गंगा जमुना सरस्वती। तो संतों ने कहा ये गंगा की धारा राम भगति जो सुर सरी धारा, इस त्रिवेणी में जो ईश्वर की भक्ति का प्रचार है यही गंगा मैया की धारा है। और दूसरी नदी यमुना महारानी, तो विधि निषेध मय कलिमल हरणी। तो क्या जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज का जो निर्णय है, इस चीज का जो बोध कराता है, इस चीज की जो व्याख्यान होती है, इस चीज का जो विश्लेषण और विस्तार से वर्णन किया जाता है, इसी को यमुना जी की धारा कहते हैं। ये तीन धारा में नहाने से पक्का सच्चा पुण्य मिलता है। तो ये भी सत्संग में आवश्यक चीज है कि क्या करना है नहीं करना, इसी को गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से बतलाए। पांच पाप नहीं करना, बाकी पुण्यों को सत्संग को आदि को करना। सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, सत्संग के माध्यम से हमको अपना अपने आप का परिचय होता है, अपने घर का परिचय होता है, हम जीवात्मा को परम पिता परमात्मा का परिचय होता है, हमको अपना असली घर मिलता है, द्वार मिलता है, परिवार मिलता है और संसार मिलता है। अब आप लोग कहिए कि यहाँ तो असली है ये, आप कौन असली की बात कर रहे हैं, हमको तो है ये घर परिवार संसार सब अपने हैं, एकदम सब एकदम घुले मिले हैं, सब डूबे हैं, तो अपना कौन सा होता है। अच्छा सब अपना, लेकिन कितने दिनों के लिए है, बस थोड़े दिनों के लिए है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ दिन पहले हम ही दुनिया में नहीं थे और कुछ दिन पहले हम ही नहीं रहेंगे, ये संसार हमारे पास नहीं था और आगे नहीं रहेगा। ये जीव, ये आत्मा, ये शरीर को बदलता रहता है, ये शरीर बदलता रहता है तो हमारा रिश्ता नाता बदलता रहता है, हमारा परिवार संसार बदलता रहता है, ये जीव भटकता रहता है। इसलिए इसी को संत महापुरुषों ने आवागमन कहा है। ये आवागमन ये सबसे बड़ा दुख कहा गया है। जन्म लेना ये बड़ा भारी दुख है। जन्म बच्चा लेता है तो हंसता है क्या, किसी बच्चवा को देखे हंसते हुए। एक आदमी बोला हम जन्मे थे तो हंस रहे थे, वो क्या हंसेगा जन्म के समय का, उसको होश थोड़ी है, सब रोता है। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रो, दुनिया वाले हंसता है वो भी किस लिए हंसता है, कहता तुमको बेटा हुआ पार्टी दो, बढ़िया माल पानी खिलाओ, मलपुआ खिलाओ, वो अपने पेट कुड़ियाने के लिए, अपने मतलब के लिए हंसता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता कि कोई रोए कोई हंसे, ये प्रमाणित करता है उसी दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ। यदि अकल हो तो इतना समझ इंसान के लिए इशारा काफ़ी है कि नहीं, उसी दिन आदमी को समझना चाहिए कि दुनिया कितना निर्दयी है कि मैं रो रहा हूँ और ये हंस रहा है, और ये ऐसे ही है, ये दुनिया का स्वरूप ही ऐसे है, जो कि आपको पहली झांकी में दिखा दिया कि तुम रोते रहोगे और ये दुनिया तुम पर हंसते रहेगा, ये रोने वाले हैं। देते हैं इंसान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो जिस दिन जन्म हुआ ये हंस रहे थे तुम पर, तुम रो रहे थे। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो।
छटपटा रहे थे, कहाँ कहाँ। माँ बाप भी हंस रहा, हंस क्या खाक रहे हो, उसके दर्द को समझो, उसकी पीड़ा को समझो, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तुम हंस रहे हो, पर वो बच्चा तो रो रहा है ना, और रोते रहेगा वो। पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से क्यों तू खामोश रे क्यों, भीतर भीतर रोए रे तेरा दर्द न जाने कोई। उसका दर्द कौन समझता है, कोई नहीं समझता है, खुशी मना रहा है। वो बच्चा 9 महीना जेल काट करके आया, वो काला पानी का सजा उसे मिल रहा था। काला पानी ये क्रूर अंग्रेज जो थे, आताताई अंग्रेज, ये हम भारतीयों को दिया करते थे। ये बात अलग है कि आज हम अंग्रेज को महान समझते हैं, अंग्रेजी भाषा को ही अपना मातृभाषा समझते हैं, पर अंग्रेज की भाषा और अंग्रेजियत ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अंग्रेज काला पानी की सजा दिया करते थे। एक बार मुझे गोवा जाने का समय मिला सत्संग में। गोवा कहाँ जानते हैं, मुंबई, यहाँ से 3 दिन लगता है जाने में, मुंबई से भी 2 दिन लगता है गोवा जाने में, पूरे भारत के एक बगल में कोने में, उधर चारों तरफ अरब सागर ही है, पूरा पहाड़ी है। उस गोवा में गया था, वहाँ क्रिश्चियन लोग ज़्यादा, ईसाई लोग, ईसाइयों का जो दुकान यहाँ चला है, किस लिए चला है, क्योंकि हमारी खोपड़ी में जो है ना अधकचरा ज्ञान भरा है, हम अपने सनातन संस्कृति को एक दूसरे को समझा नहीं पाते, आपस में ही ढाई मारते रहते एक दूसरे को, हम बड़े तो हम बड़े, और उसी बीच में ईसाई आके हम खड़े, वो अपना प्रचार चला दिया। नहीं तो भारत जैसे ऋषि प्रधान देश में एक राजा को एक भिखारी दान दे, ये संभव कहाँ से है, सारी धर्म संस्कृति की जननी है ये भारत, और यहाँ एक मुट्ठी भर ईसाई आकर के अपना धर्म फैला दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग का अधकचरा ज्ञान के कारण, बिखराव के कारण, अलगाव के कारण, ये बात अलग। तो वो गोवा में वो ईसाई लोग बहुत रहते, वहीं मैं गया था सत्संग करने, तो वहीं पर समुद्र के बीच में विशाल पहाड़ है एक, और वहीं पर एक जगह है जहाँ काला पानी दिया जाता था ये भारतीयों को, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा, हमारा देश, हमारा घर, हमारा द्वार, और आताताई लोग बाहर से आकर के हमको सजा देते थे। तो अंग्रेजों ने वो काला पानी का सजा दिया करता था, वो जगह भी वो सत्संगी लोग 2 कार रिजर्व किया, और हम लोग वहाँ 10-20 सत्संगी थे, सब मिलके दिन भर घूमे थे गोवा, यानी धरती का स्वर्ग है। आपको दुनिया में स्वर्ग नरक दुनिया को देखने की जरूरत नहीं, दुनिया में जितना कुछ है उस सब का जीता जागता उदाहरण भारत में ही है। ये बात अलग है कि यहाँ इतना ओवर पॉपुलेशन हो गया, इतनी जनसंख्या हो गई कि टांग रखने का जगह नहीं है। एक चुटकुला है, एक आदमी बोला कि एक मुर्दा मुंबई में 3 किलोमीटर तक मुर्दा पैदल चलते रह गया श्मशान घाट तक। एक ने पूछा कि भाई मुर्दा कैसे चलते रह गया 3 किलोमीटर, दूसरे ने कहा कि एक आदमी खड़े खड़े मर गया, आ इतनी भीड़ थी ना कि उसको गिरने का जगह ही नहीं मिला, ठेलते ठेलते श्मशान पहुँचा दिया। तो भीड़ बहुत है देश में, आबादी बहुत है, परंतु ये देश में सब कुछ है। आपको अभी गर्मी चाहिए ना, जाइए मुंबई, तमिलनाडु। आपको एकदम ठंडी का आनंद चाहिए, चले जाइए वो हिमाचल प्रदेश, मनाली, यानी तो गंगोत्री। आपको एकदम वर्षा बुनी चाहिए, मेघालय चले जाइए, मेघ का ही घर है। सब चारों ऋतु हर समय यहाँ उपलब्ध है सब कुछ। तो वहाँ गोवा में वो काला पानी का सजा अंग्रेज लोग दिया करते, उसका वो अड्डा था, पहले वहीं से चढ़ाई किया था, वास्को डी गामा वहीं है, वो आया था वहाँ। तो कहने का मतलब है वो काला पानी का सजा तो थोड़ी देर के लिए देता था, पर इस बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने काला पानी से भी कठोर सजा मिला, वही सजा को भोग के ही आया है। यहाँ बतीसी दिखा के पार्टी दे रहे हैं, ये उस बच्चा के लिए रहम हमदर्दी थोड़ी है। उस बच्चा के हमदर्दी को तो बिरले कोई समझते हैं, और जो समझते हैं वही असली माता पिता भी है, नहीं तो सब उल्लू सीधा करने वाले माता पिता। अब बच्चा से थोड़े कोई माता पिता प्रेम करता है, यदि बच्चा से प्रेम करता तो एक बच्चा जो गूंगा हो जाता वो कटोरी क्यों पकड़ लेता है। करोड़पति घर का बेटा है, गूंगा हो गया तो करोड़पति बाप माँ उसको नहीं रखते, वो कटोरी पति हो जाता है। तो तुम जब बेटा बेटी से प्यार करते थे तो उसमें क्या हो गई, उसके अंदर भी तो वही आत्मा है ना, वो क्यों कटोरी लेके घूम रहा है। बेटा लंगड़ा हो गया, लुल्ला हो गया, बहरा हो गया, उसको माँ बाप प्यार नहीं करते, क्योंकि उससे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, जबकि उसमें भी उसी वही आत्मा है। ये दुनिया तो इसी तरह के मतलब के, प्रीतम जान लेहु मन माही,
अपने सुख में सब जग बांधियो को काहू को नाहि। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखूं खूब विचार। जब खूब विचार करिएगा ना, तब पता चलेगा ये स्वार्थी कैसे हैं दुनिया। तो बच्चा का जन्म हुआ, बहुत पीड़ा में था वो, और उस हमदर्दी को समझने के लिए क्या करना होगा? कहते उसके हमदर्दी को यदि आप समझते हैं, माँ बाप तो वही है ना जो बच्चे के दुख दर्द को समझे, तो उस दर्दी को कौशल्या महारानी ने समझी थी कि आज जन्म लिया है, इतना पीड़ा भोग के आया है, और जब कल मरेगा तो फिर से इसको इस पीड़ा में जाना पड़ेगा, फिर मरेगा तो फिर से जन्म जाना पड़ेगा इस पीड़ा में। तो हम कौन से माँ हुए जो इसके पीड़ा से इसको नहीं बचा पाए? तो उसको समझदारी आई और उस माता ने परिचय करा दी, उस पीड़ा से छूटने की बीड़ा ठान ली, उठा ली और कहती है बेटा, तात तुम्हार माँ तुबै देही, अपिता राम सब भांति स्नेही, जो पे राम सीय बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। सुमित्रा माँ कहती बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, ये सब बनावटी है, ये खेल है, ये नाटक है, ये सब रोल अदा कर रहे हैं, हकीकत में हम लोग नहीं हैं, हम लोग रियल लाइफ के माता पिता हैं, रियल लाइफ के नहीं। रियल मतलब होता है पर्दा का, रियल मतलब हकीकत का। हकीकत के माता पिता से मिलो तो दोबारा तुमको माँ नहीं बोलना, माँ के पेट में नहीं आना पड़ेगा, पिता के की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अनाथ नहीं होगे। यानी ये जन्म और मरण की जो पीड़ा और कष्ट है तुम्हारा सदा सदा के लिए छूट जाएगा। और इस समय चूंकि मैं तुम्हारी माँ बन के आई हूँ, मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे दुख को सदा सदा के लिए दूर करूँ, और एक माता का यही धर्म भी है, और इसीलिए यही माता देवती देवी कहलाती है। ऐसे माता को शास्त्र में कहा मातृ देवो भव। ऐसे पिता जो असली पिता का परिचय कराते हैं उसको कहते पितृ देवो भव। इन्हें कि बेटा को, कि बेटा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बेटा को अंडा खिलाओगे या बेटा आपको देवी देवता मानेगा? कभी नहीं मानेगा, आप मानने के लिए योग्य है ही नहीं। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी रेस्पेक्टेड बाय योर सन। तो देवी देवता यदि पुत्र मानते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है कि माता पिता के अंदर वो देवी देवता वाला गुण भी होना चाहिए। आज घर घर में सत्संगी बहुत है, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ तो बूढ़े बूढ़े आते हैं। युवक लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब आप इतने पुराने अनुभवी सत्संगी हैं तो आपका प्रभाव बाल बच्चे पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम दुनिया को उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारा कोई श्रोता नहीं होता, उसको समझा नहीं पाते। तो समझा नहीं पाते क्यों नहीं समझाते? इसका मतलब सीधा सा है कि आप तो बेतरनी पार होना चाहते हैं, चाहते कि हमारा परिवार वहीं डूबे रहे। यदि ये नहीं चाहते तो समझाना चाहिए। यदि आप नहीं समझाते इसका महत्व, आप महत्व को नहीं समझते, तो कहने का अभिप्राय है कि ये बहुत बड़ी बात है। और सब दिन ये शरीर में नहीं रहता है, ये शरीर दिनों दिन घटते जाता है। ये शरीर को रोगों का घर बताया गया है, इसमें कोई सुखी नहीं। कबीर साहब कहते तन धर सुखिया, काहू न देखा जो देखा सो दुखिया। सब दुखी है। रामायण में यही विधि, सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय पृथ्वी हो, कहते सब जीव रोगी, कोई तन से रोगी, कोई मन से रोगी, पर सब रोगी है। इस रोग से बचना, इस दुख से बचना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि भक्ति करने की जरूरत क्या है? हम नहीं ये करेंगे, हम ठिका लिए भगवान का क्या, गुरु महाराज का? हमारा मन है, घर है, द्वार है, परिवार है, संसार है, भक्ति करना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कुशल ये कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते कुशल भया न कोई, जरा मुवी न भय मुआ, तो कुशल कहाँ थे? भक्ति करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से बोलिए कि आप सुखी हैं, आप सुखी हैं? कहते हाँ हम तो सुखी हैं। एक दूसरे से मिलते हैं, कहते कैसे हैं कुशल मंगल संधि साहब, बोलिए, कहते हाँ हम कुशल से, आप अपना कहिए, वो भी कुशल मंगल सुना देते हैं। अब बाद में चाय नाश्ता होता है ना, आज जब बात और बढ़ती है ना, आज जब संधि साहब अपना दुखड़ा सुनाते ना, तो आपका मुखड़ा लटक जाता है, सोचते हैं कि मुस्कुरा रहा था थोड़ी देर पहले, हम सोचे कि बहुत सुखी है,
आई न लग तो हमसे भी ज़्यादा परेशान, कोई सुखी नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत ना मनमोद, आ जगत चबे ना काल, सब कुछ मुख में कुछ गोद। सब काल के गाल में जा रहे हैं तो सुखी कैसे हैं? जन्म लिए थे तो मर ही रहे थे, रो ही रहे थे, आ फिर मरने के लिए रोने के लिए ही जा रहे हैं, तो सुखी कहाँ से हो गए भाई? कहाँ से सुखी हो गए? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, एज लॉन्ग देर इज ए फेयर ऑफ डेथ, एज लॉन्ग देर इज ए सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एज लॉन्ग देर इज ए फ्रस्ट्रेशन सारो डिप्रेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन योर लाइफ, सो लॉन्ग यू नीड ए प्रेयर ए डिवोशन स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। कहते जब तक आपके जीवन में दुख है, जन्म मरण का दुख है, आवागमन का दुख है, जब तक दैहिक दैविक भौतिक ताप से आप संतप्त हैं, जब तक इन विकारों के शिकार हैं, जब तक इस तरह के पीड़ा है, कष्ट हैं, वेदना है, सब तरह के रोग हैं, जब तक ये मोह ममता रूपी रोग ग्रसित हैं, जब तक काम क्रोध लोभ रूपी कफ पित्त वात से आप घिरे हुए हैं, अहंकार रूपी डमरुआ रोग से पीड़ित हैं, तब तक के लिए आपको ईश्वर की भक्ति की जरूरत है। कोई ईमानदारी से बोले किससे हम छूटे हुए हैं, बोल ही नहीं सकता है। व्याप रहो संसार मह माया, कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम कपट पाखंड, सारे संसार में ये माया की सेना नचाती रहती है, तो कोई सुखी कहाँ है? काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, मोह सकल व्याधिन करमूला, तैत्य उपजाई बहुविधि सूला। ये मोह सब रोगों का जड़ है, उससे नाना प्रकार के सूल यानी कष्टदायी रोग प्रकट होते हैं, तो सुखी तो है नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते, इसलिए जीवन में ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। तो सब काल के मुख में जा रहे हैं, समा रहे हैं। जन्म लेता तो माँ बाप खुश हो जाते, बेटा जन्म लिया, एक से एक कपड़ा सपड़ा खरीदते हैं, ओढ़ावा पहनावा क्या से क्या एस्टिमेट लगाते हैं, दो चार मंजिला बेटा का जन्म हुआ के मकान बना के तैयार कर देते हैं, यहाँ हमारी पोतहू रहेगी, यहाँ बेटा रहेगा, यहाँ पोता पोती सब रहे, दिनों दिन मन होता है बड़ा हो रहा है, बड़ा कौन सी हो रहा है? आपको 100 रुपया दिया, रोज 1 रुपया आपसे कोई ले रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है, अमीर हो रहा है कि गरीब हो रहा है? जो आयु लेकर के आए वो आयु दिन दिन तो घट रही है, बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? गुरु महाराज कहते, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पाओ, फिर से काल के मुख में चले जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते, इसी काल के मुख में जाने से बचने के लिए भक्ति जरूरत है, सत्संग जरूरी है, इस चीज़ को याद रखना जरूरी है, इसी को याद दिलाने के लिए सत्संग होता है। कहते आजकल घर ही घर सत्संग हो रहा, कते लोग सत्संग करेगा, कुछ हो नहीं होता है, घर ही घर खाना नहीं होता है क्या, घर ही घर सोना नहीं होता है क्या, घर ही घर गाना बजाना नहीं होता है क्या? जब सब कुछ घर ही घर हो रहा है उसमें टेंशन है, तो घर ही घर सत्संग में क्यों टेंशन है भाई? दो बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजो श्री भगवान, एक मौत को याद रखिए। और ये बात नहीं है कि मौत केवल आप ही को आएगी। कहते हाँ हम लोग बूढ़ा सूढ़ा हो, बूढ़ी सूढ़ी हो गए तब मरेंगे, बेटा पोता तभी बच्चा है, खेलेगा धूपेगा, जो मन खाएगा पिएगा, देश दुनिया देखेगा। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते कोई गारंटी नहीं, कितने दादा दादी के सामने ही पोता पोती विदा हो गए, कितने माँ बाप के रहते ही बेटा बेटी चले गए, दिखाई नहीं देता क्या, अखबार नहीं पढ़ते क्या? कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोड़ चले, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, रुका न पलवर पुत्र माता से नाता तोड़ चले, कुछ तो चले चिता के ऊपर कुछ कब्रों की ओर चले। तो केवल बूढ़े सूढ़े मरते हैं, बूढ़े बूढ़े मरते हैं, इसकी बात नहीं है, कोई भी कभी भी मर सकते हैं। तो न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फन। तो इसीलिए बूढ़े बूढ़ी का काम नहीं है, ये काम बच्चों का भी है, ये काम युवकों का भी है, सबों का है। जितना जरूरी आपके लिए उतना ही जरूरी उनके लिए भी है, क्योंकि आप यदि बेतरनी पार होना चाहते तो अभी तो पार होना चाहता होगा।
इसलिए अपने जो अपने आप को बड़का पुराना सत्संगी समझते हैं तो उसका ये धर्म जरूर है कि अपने परिवार को भी इसमें जोड़ें, उसमें भी लगाएं, दीक्षित करें, वैष्णव बनावें और सब मिल करके सत्संग करें, तो ये हुआ आपके गृहस्थ धर्म का दायित्व निर्वाह करना। दो बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत है, दो जो श्री भगवान। एक मृत्यु को याद रखना है कि मृत्यु कब आएगी जमदूत और कब फसरी फंसा के लेके भाग जाएगा, किसी को पतो नहीं चलने देगा। ये चीज़ हमको जगा के रखता है, होश में रखता है। इस मौत को याद रखे, गुरु महाराज कहते यही है काल की उपासना। समय को पकड़े रहिए, जहाँ रहो सत्संग करो, जिस देश में जिस भेष में रहे सत्संग को करें और सत्संग के माध्यम से नाम को जपें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए इस मधुर मधुर नाम को क्या कहना है, क्या कहना है? मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हम लोग तो दीक्षित शिक्षित हैं, सीताराम क्यों बोले? तो सीताराम भी गुरु मंत्र ही है। सीता और राम दोनों एक ही शब्द है, जैसे वाटर पानी एक ही चीज है कि नहीं? बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। पर ये राम क्या है? जो तत्व, जो परम तत्व सब कुछ में रमण करने वाले हैं, इसलिए उसको राम कहते हैं। तो गुरु तत्व, राम तत्व सब एक ही परम तत्व है। और चैनल को तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत है, दो जो श्री भगवान। ये भगवान का नाम मधुर कब लगेगा? मधुर मतलब मीठा, बोलिए ना जोर से। खट्टा थोड़ी होता है मधुर मतलब, मधुर मतलब मीठा होता है। लेकिन अभी हमको नाम कैसा लगता है? हो अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, एकदम मुंह ऐसे घोकचा के लटका के बैठे रहते हैं। कुछ रस आता है? नाच गान में देखिए चेहरा कैसे चमकता रहता है, अरे पलक नहीं झपकाता है रात रात भर। कितनो ठंडी रे, एकदम टकटकी लगाए रहता, सब ठंडी भाग जाते हैं। तो बढ़िया क्या लगता है? वो गाना बजाना, नाच नौटंगी, थिएटर, ये मीठा लगता है? ये मीठा लगता तो ये जाफड़ी रहता है, यहाँ सब उजर पुजर जाता, भीड़ हो जाती। ये मीठा क्यों नहीं लगता है? ये मीठा क्यों नहीं लगता है? बोलो, कहते मीठा है ये ना, तो मीठा कौन सी लगेगा? आपके भोजन बढ़िया नहीं लगता है स्वादिष्ट, इसका मतलब स्वादिष्ट नहीं है, है कि नहीं? सीधी बात है कि और कुछ बात है? और कुछ बात नहीं है? अजब हो जाए, सीधा जो समझते ना, हर चीज़ सीधा नहीं होता है। भोजन स्वादिष्ट नहीं है, आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? हो सकता है कि आपका मुँह का स्वाद ही खराब हो, आपका पाचन क्रिया ही खराब हो, आपको बुखार लगी हो। तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोए, जो ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। भगवान का नाम मीठा है, लेकिन आपका जो पूर्व जन्म का पाप है ना, वो संस्कार है ना, वही उसी के कारण आपको खट्टा लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मीठा कब लगेगा? जब आप नीम का काढ़ा पी लीजिए, गुरु जलती पी लीजिए, उसका चिरौता पीजिए,
या पेट में कृमि मारने वाला दवाई खाइए, और जब चाली ताली बाहर हो जाएगा और भूख जब जगेगी तब देखिए 5-7 रोटी खा लीजिएगा, लगेगा कि पेट में जो है था ये नहीं लग रहा है। तो मर मेहमानी में जाता है ना, रोटी जब खूब खाता है कहते पानी डालिए तब था आएगा कि कहाँ है पेट में कौन। तो स्वाद कहाँ से आ गया? स्वाद तो पहले भी था पर भूख नहीं थी, बीमारी थी, भोजन की रुचि खत्म। इसी तरह से सत्संग रूपी डोज जब लेते हैं, संत वाणी रूपी जड़ी बूटी जब पीते हैं, तब जा करके भक्ति की भूख जगती है और तब ये भगवान का नाम मधुर मधुर नाम हो जाता है। कहने का मतलब सीधा सा कि जब मौत रूपी असली मेडिसिन लीजिएगा ना, वैक्सीन, मौत को याद रखिएगा, उसी का दिमाग में उसको घुसाते रहिएगा, बैठाते रहिएगा कि हमको मरना है तो मरना है। ऑल मैन मस्ट डाई, गुरु महाराज ने इसी शब्द से वैराग्य हुआ था कि सभी आदमी जरूर मरेंगे। ये बात एक दिन की नहीं है, ये हर पल हर क्षण जो याद रखते हैं। तो याद रखने का मतलब ही है कि जैसे सिक्का के एक तरफ है भारत का चिन्ह और दूसरे तरफ रुपया, तो दोनों एक ही है ना, एक पहलू का सिक्का, एक सिक्का का दो पहलू कहावत है ना। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में ये दोनों एक ही चीज़ है, जो मृत्यु को याद रखेगा उसे ईश्वर का याद होगा। एक बार की बात है, गोरखनाथ जी महाराज के पास काल आया, मृत्यु आई, डराया धमकाया, कहते हैं कि गोरख आसन मारो बासन मारो, तुम्हें भी मारो, तुम्हारे गुरु को भी मारो, निकसोगे के ही द्वारा। कहते मैं सबको मार देता हूँ, तुम कैसे बचोगे? गोरखनाथ जी कहते मैं बचने का फार्मूला गुरु जी से लिया हूँ, काल तुम्हारे कारण मैं हमेशा जप करते रहता हूँ, मृत्यु के कारण। काल कहते कैसे? कहते हमें डर होता कि मरना है तो डर के मारे मरता तो क्या नहीं करता, तो हम जप करते रहते। कैसे करते हो? तो उठा तो सुमरो, बैठा तो सुमरो, सुमरो जागत सुता, और तीन लोक से रहो न्यारा कहाऊ गोरख अवधूता। हम अवधूत हो गए, क्यों हो गए? तो जामन मरण बहुरी वियोगी या ताथे गोरख भैला योगी, इसीलिए योगी हो गए मरने के डर से। अरब खरब नौ दरब है उदय अस्त तिहु राज, हाँ तुलसी जो निज मरण है तो आवे कह कर, मृत्यु है तो काम आएगा, मतलब क्या काम तो आ रहा है लेकिन हमारा मन ही नहीं लगेगा इसमें। तो सुन काल, तुम्हारे कारण मैं दिन रात उठते बैठते सोते जागते उसी प्रभु का नाम लेता रहता। तो तीन लोग से रहाऊ न्यारा कहाऊ गोरख अवधूता, जो उस नाम को जपते रहते काल कराल निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तुम क्या करोगे मेरा भाई? तो फिर काल कहते सुनो, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, और सब एक में हो जाएंगे तो कहाँ रहोगे हरि के दास? सबको मैं मटिया मेट कर दूंगा, ये काल की चिचाल है, नाश को प्राप्त कर देते संसार को। तो तुम कहाँ रहोगे कि पूजा ध्यान करोगे? घोरे नहीं रहेगा, अभी तूफान आ जाए आंधी आ जाए सब भसने लगेगा तो ध्यान भजन होगा क्या? गोरखनाथ जी कहते तुम काल सबको अपने गाल में ले सकते हो लेकिन महाकाल की चाल का, महाकाल के सामने तुम्हारी चाल नहीं चलने की है, क्योंकि वो महाकाल परमात्मा सत है और सत वही जो बिन से ना है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वही अकाल पुरुष के शरण में मैं रहूंगा। कैसे? गोरखनाथ जी कहते सुनो, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, सब एक में हो जाएंगे तो हरि में रहेंगे हरि के दास। श्री सदगुरु काल सोचा इसका तो गजब का कमाल की बात बोल रहे भाई। काल कहते तो सुन, तुम हरि में रहने की बात करते हो ना, सत्संग भजन में गुरु के शरण में, तो मेरा जो मोह का जाल है ना भैया, और वो जब फेंकता हूँ तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, किशोर चल लिए किशोर जाते जाते, राहों में भटक गए तेरे दर पे आते आते, लोगों को मैं भटका देता हूँ। कितना लोग जब बजा बजा ना, कितने के मन में विचार आया होगा कि चलो कहाँ के बाबा हैं क्या हैं थोड़ा देख सुन लेते हैं, आधा दूर से घूर गया होगा। कितना को पोता रोक लिया होगा, कितना को बूढ़ी माता रोक ली होगी, कितने को कोई काम धंधा रोक लिया होगा। यही है काल का जाल, इसी को कहते कलयुग या फेरा। लाल दास के फेरा में पड़ लो भैलो हाल बेहाल हो, किसके फेरा में पड़ जाएंगे कहना मुश्किल है। तो ये कलयुग का कमाल है, आप अच्छा चीज़ करिएगा तो 1000 व्यवधान होगा। एक आदमी था बहुत दिन से कबूला किया था कि सत्संग कराएंगे,
तो उसको हम पीछे करते रहते कि क्या हुआ। हम उनको दूसरे ढंग से पूछे, हम बोले अच्छा बोलिए बेटा का ब्याह कीजिएगा कि नहीं, बोले हाँ हाँ अगला साल जनवरी में। हम बोले सत्संग, बोला जाने गुरु महाराज बेटा का विवाह का डेट वो फिक्स करेगा और सत्संग जाने गुरु महाराज, उसका डेट नहीं फिक्स कर सकते क्या, मतलब गुरु महाराज टेंट बाजा पंडाल लगा देंगे तब आप सत्संग कीजिएगा। ये काल का जाल है, बुद्धि को ऐसे फेर देता कि बढ़िया चीज़ में आपको बुद्धि काम ही नहीं करेगा, करने की हिम्मत ही नहीं देगा वो, और खराब चीज़ में बेटा का ब्याह कर रहे हैं, बेटी का एक एगो बेटी है, कर्जे ले लो 50,000 क्या होगा, लेकिन डीजे लाना है बढ़िया सा, बाजा सजा नाच नौटंगी को करना है, उसमें कहाँ से हिम्मत आ जाता है भाई, उसमें कहाँ से आपके पास व्यवस्था हो जाती है, पैसा हो जाता है। नटवा कोई अश्लील गाना गा रहा है, नाच रहा है, हजार हजार दो दो हजार का गड्डी देते रहते, बरसाते रहते हैं, और सत्संग में जेबी से अचरा खोल के निकालेंगे एगो टका, और तीन बार उल्टाते हैं कहीं दो टकिया तो नहीं जा रहा है सिक्का की जगह पर। ये काल का कमाल है, वो आपको बढ़िया चीज़ करने नहीं देगा। आप कहिए आप कंजूस थोड़े हैं, यदि आप कंजूस रहते तो 500 नटंगी को देते, कंजूस नहीं है। उधार यदि नहीं रहते तो इतना विवाह शादी में खर्च करते, उधार हैं, ऐसा नहीं कि कंजूस है, उधार नहीं है, लेकिन ये काल का जाल है कि अच्छा चीज में आपको करने ही नहीं देगा। कहते सुनो गोरख, आसन बांधो बासन बांधो, तुम्हें भी बांधो तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के कई द्वारा, सबको मैं बांध दूंगा, कहाँ से निकलोगे। काल कहते सुनो, तुम मुझे नहीं बांध सकते क्योंकि हमारे गुरु निर्बंध है तो मैं भी निर्बंध हूँ। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर संग निर्बंध की पल में ले छुराए। अब झूठे गुरु के चक्कर में रहेंगे तो वो तो नरक जाएंगे, लेकिन आपको भी पूरे कुल खानदान को लेके जाएंगे। इसलिए झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए, वार द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। हर शिष्य धन शोक न हरा, सो गुरु घोर नरक माँ पड़े। काल कहते हैं, गोरख कहते सुनो, हमारे गुरु महाराज हैं श्री मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, सब तरह से मुक्त संत हैं, इसलिए उनकी कृपा से मैं भी मुक्त हूँ। इसलिए सुनो, आसन मुक्ता बासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दशम द्वार। मैं दशम द्वार मार्ग जो हमारे गुरु ने बतलाए, उसी मार्ग, उसी को मुक्ति का मार्ग, उसी को कल्याण का मार्ग, उसी को ईश्वर तक जाने का मार्ग कहा गया है, उसी मार्ग पर चल करके हम उस परम पिता के पास पहुंच जाएंगे, और तुम माथा धुनते रह जाओगे, तुम्हारा दाल नहीं गलेगा, तुम्हारा चाल नहीं चलेगा, और हमारा कल्याण हो जाएगा श्री सद्गुरु महाराज की। गोरखनाथ जी महाराज काल के बेड़ी को काट करके ईश्वर को प्राप्त कर लिए ये सत्संग के माध्यम से। अभी के सत्संग में दो चीज़ समझिए, फिर से आप लोग हजार बार सुने होंगे परंतु बार बार याद दिलाना भी, याद रखना भी जरूरी होता है। यही दो सूत्र है, एक मृत्यु को उसको याद रखें, तो गुरु मंत्र जप होता रहेगा और उसी से हमारा भक्ति का मार्ग पर हम चलते रहेंगे, और गुरु कृपा से जो असली मार्ग दशम द्वार है एक दिन मिल जाते हैं, और जीवन कल्याण के पथ पर चलते चलते उसका कल्याण हो जाता है। तो अभी के सत्संग में बस इतना ही, और अपराह्नकालीन सत्संग भी होगा, भजन कीर्तन भी होगा।